सो डॉक्टर देव ये जो ट्रीटमेंट है एक तो जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि ये मतलब आठ नौ महीने पूरा चलता है एंड इट मस्ट भी एक्सपेंसिव देखिए इसमें कॉस्ट फैक्टर डिपेंड करता है आपका किस टाइप की ट्रीटमेंट चल रहा है और कौन hmm. सी हॉस्पिटल में इलाज चल रही है जी आमतौर पर ऑपरेशन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन दिन हॉस्पिटल में रखते हैं ये ऑपरेशन ये बड़ा मेजर ऑपरेशन माना नहीं जाता है नहीं। ये क्या आजकल तो हमने यंग और फिट पेशेंट्स में अगले दिन ही घर भेज देते हैं ठीक है चार्ज डिपेंड करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काफी सब्सिडाइज रेट से ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगी रेडियोथेरेपी भी काफी आपका सपोर्ट है गवर्नमेंट का सपोर्ट है जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा चार्ज नहीं होती वो चार हफ्ते के इलाज है क्योंकि ये सारे इलाज आपका हिस्सों में होती है ये नहीं कि ये महीना आप एक जगह बंधन में रहेंगे ऑपरेशन हो गया अब पाँच हफ्ते की टाइम मिलते है फिर रेडियोथेरेपी है फिर कीमोथेरेपी महीने में दो बार शायद आपको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा और आमतौर पर काफ़ी दवाई आजकल गवर्नमेंट की सपोर्ट है एन की सपोर्ट है <coughs> प्लस जेनेरिक मेडिसिन से बायोसिमिलर से इंडिया में काफ़ी आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज कम दाम पे ये दवाई बनाने शुरू किए तो मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास के लिए आजकल कैंसर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है जी ऐसा का सरकार भी अभी बड़ी कदम ले रही है आयुष्मान भारत हुँ। तो जितना उनकी पैकेजेस है उसमें आराम से एक ब्रेस्ट कैंसर की इलाज साधारण इलाज आराम से हो जाए